अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को कोरोना की वैक्सीन दी गई। बाइडेन ने लाइव टेलीविजन पर वैक्सीन लगवाई। 78 साल के बाइडेन कोरोना के हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। फाइजर की ओर से विकसित पहली डोज दी गई। इस मौके पर उन्होंने अमेरिका के लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की। उम्मीद है कि अगले महीने से अमेरिका में कोरोना के वैक्सीन आम जनता के लिए उपलब्ध होगी। ब्रिटेन के बाद साउथ अफ्रीका में भी कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिलने से हड़कंप मच गया है। सरकार ने कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने की पुष्टि की। कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने से संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति ने ब्रिटेन में नए कोरोना स्ट्रेन पर कहा कि ब्रिटेन में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन जानलेवा नहीं लग रहा, हालांकि ये तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर मूर्ति को जो बाइडेन की स्वास्थ्य टीम में सर्जन जनरल नियुक्त किया गया है। यूरोपीय यूनियन ने बायोएनटेक और फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए बैठक की। मंजूरी मिलने के बाद यूरोपियन यूनियन में लागू होने वाली पहली वैक्सीन होगी। ब्रिटेन और अमेरिका पहले ही फाइजर वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे चुके हैं। जापान सरकार ने अपना सैन्य बजट बढ़ा दिया है। चीन से मुकाबले के लिए नए फाइटर प्लेन, मिसाइल और एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने की तैयारी में जापान सरकार जुट गई है। सुगा सरकार ने सेना का बजट बढ़ाकर 52 बिलियन डॉलर कर दिया है।